कल मैं आपको बता रहा था महादेवी वर्मा के तीन गीत थे, तीनों गीत आपको बताए गए। अंतिम गीत था विस्तृत लभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज। विस्तृत नभका मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभका कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यहां तक हुआ। इसके बाद अगला जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे। 1908 में इनका जन्म हुआ था और मुंगेर जिला, बिहार में मुंगेर जिला सिमरिया गांव का। इसके बाद 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब है रामधारी सिंह की तमाम रचनाएं हैं और उनकी रचनाएं जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, प्रण भंग, पूर्वसी, वारदोली विजय, धूप छां, बापू, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रेणुका, ओंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सावधानी, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषित, चक्रवाल, धार के उत्पाद, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम आदि काव्य पुस्तकें तथा मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, भारतीय संस्कृत के चार अध्याय आदि गद्य रचनाएं, यानी काव्य रचनाएं उनकी ज्यादा है, गद्य रचनाएं कम है और कहानी नाटक इनके कुछ नहीं। इसको आप जो है उससे किताब से पढ़ लीजिएगा, उसे तैयार कीजिएगा। मैं आप ले चल रहा हूँ आपको जो शीर्षक दिया गया है, लिखा इन्होंने पुरूर्वा और उर्वशी। पुरूर्वा क्या है और उर्वशी क्या है, ये उर्वशी उनकी एक रचना है, उसी से दिया गया। तो पुरूर्वा सनातन नर का प्रतीक है, उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक, ये एक बात ये समझ। तो पुरूर्वा और उर्वशी के कथन दिनकर जी की रचना उर्वशी में संकलित। दिनकर विरचित उर्वशी पांच अंकों में समाप्त होने वाला एक काव्य रूपक है जिसका मूल भाव है प्रेम। उर्वशी का अर्थ होता है उर माने हृदय, बसी माने बसी, जो हृदय में बस जाए उसी का नाम उर्वशी है ना। तो प्रेम होगा तभी तो हृदय में बसेंगे। इसमें पुरूर्वा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी की अनेक माध्यम से दिनकर ने काम की समस्या को उभारा। पुरूर्वा द्वंद है और भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर पूर्णत्व करना चाहिए। तो भाई एक चीज मिलती है, भौतिक सुख ले लो या आध्यात्मिक ले लो, लेकिन उनको दोनों चीज चाहिए, जो संभव नहीं है। इसके विपरीत उर्वशी भोग युक्त मानवीय रूप में चित्रित है, भोग्या स्त्री के रूप में, और उसका प्रेम विशुद्ध ऐन्द्रिय भोग का प्रतीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। दोनों के मनोभाव और चारित्रिक विशेषताएं यहां लक्षित है। अब इसमें आप रचना देखें,
क्रूरवा वही है। क्रूरवा क्या कह रहे हैं, उर्वशी क्या कहती है, दोनों की बातें सुनेंगे। तो हमने आपको बताया इस काव्य के माध्यम से जो उर्वशी उनकी एक रचना है, उर्वशी रचना में उसमें क्रूरवा और उर्वशी दो पात्र हो गए। तो क्रूरवा सनातन नारी का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी, क्रूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है। क्रूरवा को दोनों चीज चाहिए, भौतिक सुख की प्राप्ति हो और आध्यात्मिक भी सुख प्राप्त हो। जबकि उर्वशी का है कि ऐन्द्रिय भोग विलास केवल एक ही चीज, भौतिक सुख साधन। अब देखो कहां तक इसमें क्या होता है। तो क्रूरवा क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, इंद्र के पास एक अस्त्र था जिसे वज्र कहते हैं, यानी वो क्रूरवा राजा थे, वो कहते हैं कि मैं इंद्र के वज्र को भी झेल सकता हूं, सहन कर सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज वंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी से एक मुस्कान, जीत लेती रूप सी नारी से मुस्कान, ये उन्होंने बताया। अब देखिए ये अंत में है, हम शुरू में आपको ले चलते हैं कि शुरू कहां से। क्रूरवा सनातन नर का प्रतीक है, जिनको मैं बता रहा हूं बार बार कि दोनों चीज चाहिए, भौतिक सुख सुविधा और आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब सांसारिक सुख सुविधा, जो जैसे हम लोग आए रात में, ये भी उनको चाहिए। और आध्यात्मिक का मतलब है पारलौकिक, परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम, वो भी उनको चाहिए। तो अब ये बड़े बड़े लोग जो है, संत लोग चले जाते हैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ कर भी, फिर गृहस्थ आश्रम में नहीं आते सिद्धि की प्राप्ति के लिए, वही पारलौकिक ना भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये दोनों चीज संभव नहीं है, एक ही चीज मिलेगी। भाई आपको समुद्र पार करना है तो क्या दो नौका में एक पैर इसमें उसमें रखकर के पार करेंगे क्या, एक ही नौका से तो पार करना पड़ेगा, दो नौका से नहीं आप पार कर सकते। तो दो विचारधाराएं कैसी भाई, एक विचारधारा आपको एक ही चीज मिलेगी, कौन है अंकुश पुरुष, अंकुश इसे मैं भी नहीं समझता हूं, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं समझता हूँ, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ या समझता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस त्रसा उस वेदना को जानता है, सिंधु सा उद्गाम अपरंपार मेरा फल कहाँ, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, या शिला सा वृत्त वक्ष ये चट्टान से मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है, मध्य मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है,
इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज, बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान। तो बच्चों ये आपका काव्य पाठ मैंने आपको सुनाया, अब इसके बाद इनकी व्याख्या। अब आज समय का अभाव है, कल हम फिर मिलेंगे और कल नए वीडियो के साथ इसकी व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।